डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस कार। जनाब बड़ी अफसोस की बात है, ये जो मुलाजिम है चाहे पुलिस के हो चाहे सिविल हो, ये अपने 35-40 साल सर्विस जो है हुकूमत के दफ्तरों में दे के उसके बाद सबकदोश होते हैं बड़ी खुशी के साथ कि हम पेंशन होने के बाद हमें अपना महाना पेंशन मिलेंगे। तो अभी माह अप्रैल से हमारा पेंशन जो है रिलीज नहीं किया है पूरे यूटी लद्दाख के। तो हमें सुनने में आता है कि अभी अरसा कोई 2019 अगस्त से जो हमारे जो फंड्स दे रहे थे वो जे एंड के स्टेट ही दे रहे थे, यूटी स्टेट। अभी यूटी स्टेट जे एंड के वालों ने बंद किया है, सर यूटी लद्दाख को देना था, अभी यूटी लद्दाख ने ये फंड्स रिलीज नहीं किया है। मैक्सिमम पेंशनर्स में 70-75-80 साल उम्र के पेंशनर है सर, जिनको कसम कसम की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, शुगर, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है सर। बहुत सारे उनके बच्चे अभी उनके कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको महाना फीस देना होता है, दवाई का पैसा देना होता है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है पेंशनर को। ये पेंशन जो रिलीज़ नहीं किया है इससे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है सर जी। और दूसरी बात यह है कि अभी तक ये जो यूटी लद्दाख जो ये खौफ गफलत में सोए हुए हैं कि अभी 2.5 साल हो गया है, अभी तक इनके पास कोई स्कीम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, अभी हमारा पेंशन नहीं आया। यहाँ से मुसलमानों का ईद है, यहाँ से फितरा देना है, दवाई का पैसा देना होता है, हर कोई कंटिन्यू दवाई खाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होता है। यहाँ हमारी पुरजोर अपील है सर LG लद्दाख साहब से, यूटी लद्दाख से, कि वो ईद फितर से पहले हमारे जो पेंशन जो वो रिलीज़ किया जाए और मुतलका बैंकों में रिलीज़ करके ईद से पहले हमें ये पेंशन जो है मिलना चाहिए।